हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और यह है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये लेक्चर नंबर 35 रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन बजट। बजट से रिलेटेड यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी बातें सही हैं। एज पर द आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट इज रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज द नोडल बॉडी फॉर इट्स प्रेपरेशन। इट हैज 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स, दैट इज एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड डेफिसिट इंडिकेटर। देखिए, अगर हम बजट की बात करें तो बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट का, जिसमें कि एक फिस्कल रोड मैप दिया जाता है कि किस तरह से कंट्री को अगले एक साल तक चलाया जाएगा। ठीक है, इसको प्रिपेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किसके साथ कंसल्ट करके? नीति आयोग और कुछ और कंसर्न मिनिस्ट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो एज पर द आर्टिकल नंबर 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन बजट को हम रेफर करते हैं एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एज पर द आर्टिकल 112 होना चाहिए, ना कि आर्टिकल नंबर 110। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके अलावा जो बजट डिवीजन है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये नोडल बॉडी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। ठीक है, और ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसके अलावा 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसमें, एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड डेफिसिट इंडिकेटर। और डिपेंडिंग ऑन द मैनर कि किस तरह ये डिफाइन होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसमें हम बताते हैं कि जो भी रिकरिंग लाइबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से रिड्यूस होंगी, और जो असेट्स हैं ड्यूरेबल नेचर के उनको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसमें कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया जाता है जो अपने असेट को कहीं से भी ऐड नहीं करता, मतलब कहीं से भी असेट को नहीं बढ़ाता और लाइबिलिटी को कहीं से भी रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें कि किस तरह से ये अफेक्ट करता है डिफरेंट सेक्टर्स को, तो एक्सपेंडिचर को हम फर्दर कई सारे क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पहला है जनरल सर्विसेज, सेकेंड है इकोनॉमिक सर्विसेज, थर्ड है सोशल सर्विसेज, और फोर्थ है ग्रांट इन एड एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो जो सम है एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज का टुगेदर, ये फॉर्म करता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं इसमें क्या चीज़ें आती हैं? इसमें जैसे आता है कि कितना एक्सपेंडिचर होता है ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन में, फिर रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में और अलाइड सेक्टर्स में। और ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि सोशल सेक्टर के ऊपर होता है, इंक्लूडिंग एजुकेशन और हेल्थ, इसको हम कहते हैं सोशल सर्विसेज। इसी तरह जो रिसीट होती है गवर्नमेंट की, वो भी 3 कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट है रेवेन्यू रिसीट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, और थर्ड है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ठीक है, जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं इसमें वो रिसीप्स आती हैं जो कि किसी भी तरह से लाइबिलिटी को इंक्रीज नहीं करती हैं, या फिर इसमें वो टैक्सेस आते हैं जो कि रेवेन्यू का सोर्स होते हैं, और साथ ही इसमें नॉन टैक्स सोर्सेज भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो फर्दर आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 3, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग फंगल इन्फेक्शंस एंड देयर कॉमन नेम्स। यहाँ पे कुछ फंगल इन्फेक्शंस दिए हुए हैं और इनके कॉमन नेम्स आपको बताना है कौन कौन सा पेयर सही है। फर्स्ट है एस्पर्जिलोसिस ग्रीन फंगस, सेकेंड है कैंडिडियासिस व्हाइट फंगस, और थर्ड है म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस। देखिए, जो फर्स्ट वाला है एस्पर्जिलोसिस, ये ग्रीन फंगस कहलाता है, और ये होता है बिकॉज ऑफ फंजाई नेम्ड एज एस्पर्जिलस, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं लंग्स को। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है या जिनको किसी तरह का लंग इन्फेक्शन हुआ होता है, वो वल्नरेबल होते हैं टू द ग्रीन फंगस इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडियासिस व्हाइट फंगस, ये जो इन्फेक्शन है ये कॉज होता है बाय कैंडिडा फंगस, और ये भी ऐसे लोगों को अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। ठीक है, और लास्ट है म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस, ये जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है ये कॉज्ड होता है बिकॉज ऑफ म्यूकर माइसिटिस फंगस, और ये अफेक्ट करता है लंग्स को, ना सिर्फ लंग्स को बल्कि स्किन, ब्रेन और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेयर हैं बिल्कुल सही हैं, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही थे। डी ऑप्शन इज राइट आंसर 1, 2 and 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर फिशेज फाउंड इन इंडिया। इसमें से कौन कौन सी फिशेज हैं, फ्रेश वाटर फिशेज, जो कि कमर्शियल लेवल पे इंपॉर्टेंट हैं? फर्स्ट है चिताल, मृगाल, सार्डिन्स एंड बॉम्बे डक।
तो चिताल की बात करें तो ये एक फ्रेश वाटर फिश होती है जो कि ज़्यादातर पाई जाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और महानदी में। और कुछ दिनों पहले असम की जो फिशरीज डिपार्टमेंट थी उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था चिताल फिश का सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सही है। सेकेंड है मृगाल। मृगाल को आप वाइट कैर्प के नाम से भी जानते हैं और ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर फिश है इंडिया की। मेनली ये एक्वाकल्चर्ड होती है क्योंकि ये ओनली करंट सर्वाइविंग वाइल्ड पॉपुलेशन है इन रिवर कावेरी। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सार्डिन्स। सार्डिन्स मरीन फिशेज होती हैं एक्चुअली और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कमर्शियली इंपॉर्टेंट सर्फेस वाटर फिश है इंडिया की और टोटल इंडियन वाटर्स में इसकी 14 स्पेशीज मौजूद होती हैं। ठीक है, और लास्ट है बॉम्बे डक। ये भी एक मरीन फिश है ना कि फ्रेश वाटर फिश है। ये पाई जाती है मिड वाटर कॉलम्स में और इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, तो ये जो सार्डिन्स और बॉम्बे डक थी ये एक्चुअली मरीन फिशेस थी ना कि फ्रेश वाटर फिशेस। ऑल्दो इनकी इंपॉर्टेंस है लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमसे फ्रेश वाटर फिशेस पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या पिंक सैंडस्टोन इज क्वेरीड फ्रॉम। तो जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर यहाँ पे जो पिंक सैंडस्टोन का यूज किया जा रहा है ये कहाँ से क्वेरीड है आपको ये बताना है। तो जो सैंडस्टोन होते हैं बेसिकली सबसे पहले ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कि ज़्यादातर बने होते हैं विद हेल्प ऑफ सैंड ग्रेन्स और इनकी साइज होती है 2 millimeter से लेके 120 mm तक की। डिफरेंट कॉम्पोजिशन इसमें होता है। ठीक है, तो ये जो सैंड है इसे कंसिस्ट करता है अपने साथ ग्रेन्स ऑफ क्वार्ट्स को, ना सिर्फ क्वार्ट्स बल्कि फेल्सपर और अदर टाइप ऑफ डेरिट्रल मिनरल्स को। और यहाँ पे ये जो यूनिक पिंक सैंडस्टोन है ये पाया जाता है बंसी पहाड़पुर ब्लॉक ऑफ भारतपुर बंद बरेथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान। ठीक है, और ये यूज़ किया जा रहा है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। अच्छा, इसके अलावा कुछ और सैंडस्टोन होते हैं जैसे कि रेनबो सैंडस्टोन। ये एक पॉपुलर सैंडस्टोन है जो कि हम निकालते हैं इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान और ये जाना जाता है एज खातू रेनबो सैंडस्टोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राज ग्रीन सैंडस्टोन। ये कहाँ से हमें मिलता है? दाबी और राजपुरा विलेज से, साथ ही बूंदी और भिलवाड़ा से राजस्थान के। फाइन, फिर नेक्स्ट है मंदाना रेड स्टोन, मंदाना रेड सैंडस्टोन। ये जाना जाता है एज वाइन रेड सैंडस्टोन या फिर आप इसको भिलवाड़ा रेड सैंडस्टोन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो क्वार्ट्ज ग्रेन्स हैं वो एक साथ सीमेंटेड होते हैं बाय सेकेंडरी सिलिका एंड कैल्साइट और ये आते हैं फ्रॉम द एरियाज ऑफ कासिया विलेज या फिर बिजोलिया डिस्ट्रिक्ट इन द राजस्थान स्टेट। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भरतपुर से इसको लाया जा रहा है। Which of the following agreements is our signed between India and China regarding the line of actual control? Line of actual control के regarding India और China के बीच में इसमें से कौन कौन से agreements signed हुए हैं? First है 1993 agreement on the maintenance of peace and tranquility। ये जो है sign हुआ था along the line of actual control in the Sino-Indian border, बिल्कुल सही है। Next है 1996 agreement on confidence building measures in the military field। 1996 का जो एग्रीमेंट था ये भी हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द LAC इन द सिनो इंडियन बॉर्डर। ये भी सही है। नेक्स्ट है 2005 प्रोटोकॉल ऑन द मोडालिटीज ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो 2005 का एग्रीमेंट था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया किस चीज़ के ऊपर? ऑन द पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन द सेटलमेंट ऑफ चाइना इंडिया बाउंड्री क्वेश्चन। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर 2012 में एक और एग्रीमेंट हुआ था कि किस तरह से हमें वर्किंग मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करना है फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। और बाद में जाके फाइनल जो एग्रीमेंट है वो 2013 में हुआ था, किससे रिलेटेड? 2013 का ये बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। ये तीनों के तीनों जो एग्रीमेंट्स हैं ये हुए थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आंसर इज योर डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 and 3। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। कल हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू जहद सना साइनिंग ऑफ।